फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सुजाता। आज है दिवाली, इसलिए विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपके घर में खुशियां हो, सब सुखी रहें, हेल्थी रहें। तो चलिए, ये ब्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूं, बच्चों के हैं 3 और जो मैंने पल्ला रखा है इसलिए रखा है कि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेट नहाने से इसलिए बाल वगैरह सब गीले हैं, इसलिए ठंडा बहुत लग रहा है। तो आज है दिवाली, मैं बताती हूँ कि हम लोग कैसे डेकोरेट करते हैं घर को, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, सुबह से बहुत टायर्ड हो गए, सुबह से बैठने का टाइम नहीं लगा है, क्योंकि किचन भी आज शिफ्ट करा है हम लोगों ने, तो कई तैयारियाँ होती हैं गढ़वाल में। हम लोग पकौड़े, स्वाले, गिफ्ट्स वगैरह कई चीज़ होते हैं, गेस्ट आते हैं, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो चलिए करते हैं दिवाली की तैयारी और मैं आपको बताती हूँ हम लोग कैसे डेकोरेट करते हैं, कैसे हम अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और ये दो हमारे घर के लल्ले लल्लों की हालत बड़ी खस्ता है, काम कर करके। अबे एक वो भी तो था हरा वाला, क्या वो सही, वो कहाँ पे लगाएंगे, क्या करता हूँ वहाँ लगाएंगे, बनाते हैं ये जो कहाँ पे, कौन सा तुम्हारे कमरे में, तो उसको ऐसे लगा देना डंडे से, पूछे नहीं मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। हमें तो तुमने, मैंने शाम के बच्चों के हैं 5 और मैंने अभी तक पूजा की तैयारी नहीं करी है, तो चलो मैं सोचती हूँ कि मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, तो चलो हम करते हैं पूजा की तैयारी। रंगोली भी बनी चुकी है, मैं दिखाऊं बिल्कुल बन गई तेरी रंगोली, तो मैं बोल तो रही हूँ मैं बना रही हूँ, तो इसे ऐसे डालना ना, हाँ बस ऐसे ऐसे करके डालो। चल मैं चाची को देखो क्या कर रही, पूजा पूजा की तैयारी ये हो रही है, पूजा की तैयारी और मेरा तैयारी शुरू हो चुकी है, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ सामान वगैरह ही निकाला है। तो चले करते हैं पूजा की तैयारी और दिखाते हैं आपको आगे। Thank you.
दिवाली और डेकोरेशन पूजा वगैरह सब हो चुकी है और हमारी पूजाएं भी हो चुकी है। पटाखे जला रहे जा, तो फूल जड़ी जला रही हो पटाखे से जलाओ बिच्छू बुझ गया। और सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, पटाखे जलाते हैं कुछ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं वीडियो बना। तो ये है रीना रमोला जी, तैयार हो चुकी हैं और हमने पकोड़े बना दिए बट वाले नहीं बनाए अभी। पति किचन में खाना बना और हमने क्या सॉले नहीं बनाए ना, पकौड़े हमने बना दिए अभी, हमने सॉले नहीं बनाया और अभी बस हम तैयार होके सबके सब फोटो सेशन। अभी एक नहीं आई है, वो तैयार हो रही है। तो चलिए फोटो सेशन करते हैं, बनाते हैं सॉले, दिखाएंगे आपको सॉले और पकौड़े की रेसिपी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। अब हो गया जिसका हवा से लाल के बज रहे हैं 10 और हमारे घर में बनने हैं सॉले। ये है हमारी गढ़वाली में लेडी और ये है उनका पुत्र। ये देखिए सुन आज मत की मेरे को सही आवाज आ गई तेरी आवाज आ गई। अरे वो सही है, कमर बंद करो। ये है सॉले जिसे हम क्या, ये है उसके आलू की पूरी बोल। ये हमारे ट्रेडिशनली पकौड़े पकौड़ी ये उससे होते हैं। किसकी होती है पूरी? दाल की। ये है उड़द की दाल जो हम छिलके वाली उड़द बीच में छेद क्यों होता है। हाँ ये सही में मिस्त्री की इसमें बीच में छेद क्यों होता है, तो शायद ये पूरी फूलती होगी इसलिए शायद। तो ये है उड़द की दाल की पकौड़ी और मटर पनीर, बाकी सब्जी खाना चल रहा है। तो चलिए हम खाते हैं खाना। हमारे घर में दिवाली में हमेशा बनता है ना। तो चलिए ठीक है, बाय। रात के बज रहे हैं सिर्फ 10 और क्या बोलते हैं, दिवाली तो वैसे अभी खत्म नहीं हुई है बट मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है। ड्रेस मैंने इसलिए चेंज करी है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे पटाखों की आवाज से, उन्हें काफी डर लगता है आवाज से, इसलिए मैं उन्हें अभी सुला रही हूँ। खाना हमारा नहीं हुआ है, दीदी अभी खाना दे रही है, मैं बच्चों को सुला रही हूँ, उसके बाद भी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। मैं इस ब्लॉग को इसलिए जल्दी फिनिश कर रही हूँ क्योंकि आई होप शायद क्योंकि उसके बाद मैं इतना थक जाऊं मैं ब्लॉग फिनिश ना कर पाऊं, इसलिए मैं ये ब्लॉग को अभी फिनिश कर रही हूँ। तो आई होप अगर आपको मेरा ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा, हाँ अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज उसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप जैसे मेरी ये दिवाली रही है खुशियों भरी फैमिली के साथ, वैसे ही आपकी दिवाली भी रही होगी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी रही। हम लोग पहाड़ में ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, सब लोग साथ मिलके आते हैं, सॉले पकोड़े और मिलना जुलना, इस प्रकार हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी मुझे ये बताइएगा कि आप लोग दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग या किसी रेसिपी में आपसे मिला जाएगा। तो उसके लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।